हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। यहाँ पे कहता है कि एक एपी है आपके पास, ठीक है, उसका जो थर्ड टर्म है उसका थर्ड टर्म दे रखा है आपके पास 16 और सेवन टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाय 12। ठीक है, एक्सीड का मतलब बढ़ना, ये ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमें A3 जो दे रखा है वो 16 है, ठीक है, थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो और यहाँ पे हमें कह रहा है सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पे मतलब A7 से मतलब A5 से 12 ज़्यादा है, ठीक है, A7 जो है A5 से 12 ज़्यादा है या एक्सीड कर रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो ये होगा हमारा क्या A प्लस, और यहाँ पे N की जगह पे रखेंगे हम N-1 इन 2D इज इक्वल 16। तो ये होगा N, और देखो यहाँ पे A तो पता नहीं है, N की जगह पे 3-1 इन 2D इज इक्वल 16, और ये हो जाएगा अपना 2D इज इक्वल टू 16 एज इट इज़। यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे फर्स्ट के लिए N है 7-1 इन 2D, तो यहाँ पे A प्लस 5-1 इन 2D प्लस 12, ठीक है, ये A प्लस 7-1 होगा 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 5-1 होगा 4D प्लस 12, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना A प्लस 6D, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, माइनस A, ये भी इस तरफ आएगा, तो -4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, 60 में से 4D माइनस करेंगे तो 2D बचेगा 12, और यहाँ पे D जो है वो मतलब 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 2 के D की वैल्यू जो कितनी आई वो आई है 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, D की वैल्यू हमें आ गई, इस वाले फॉर्म में रखो A प्लस 2D की जगह पे 6 प्लस 16 इक्वल्स टू 16, A प्लस ये होगा 12 इज इक्वल्स टू 16 प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये आएगा A इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आपके पास D भी आ चुका है और A भी आ चुका है, हमें A भी पता करना है। AP कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म होता है फिर A1 प्लस D, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके पास जो आएगा ये वाला टर्म वो होगा फिर A2 प्लस D, इस तरीके से चलता रहता है। तो और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा हमारा क्या 4 प्लस 6, है ना, और थर्ड टर्म होगा 4 प्लस 6 मतलब क्या होगा 10, 10 प्लस 6, और फोर्थ टर्म होगा 16 प्लस 6, इस तरीके से चलता रहेगा। तो 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22, इस तरीके से ये हमारा AP बन जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड AP था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।